हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए ब्रेड से बनने वाली क्रिस्पी करारी इंस्टेंट वड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। जब भी वड़ा खाने का मन हो तो आप इस तरह से ब्रेड का इंस्टेंट वड़ा बना सकते हैं। हमने इसे घर के इंग्रेडिएंट से ही बनाया है। ब्रेड वड़ा का स्वाद बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसे अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए जल्दी से ब्रेड वड़ा की रेसिपी देख लेते हैं। वड़ा बनाने के लिए या ब्रेड वड़ा बनाने के लिए हम लेंगे ब्रेड के स्लाइसेस। मैंने यहाँ 4 ब्रेड के स्लाइस लिया है। वड़ा में डालने के लिए हम लेंगे 1 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटा हुआ 1 चम्मच अदरक, बारीक कटा हुआ 2 हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ गाजर, कटी हुई धनिया पत्ती और कुछ कड़ी पत्ते लेंगे। यहाँ मैंने 7 से 8 कड़ी पत्ता लिया है। तो चलिए ब्रेड वड़ा का डो बना लेते हैं। वड़ा बनाने के लिए हम लेंगे 1 बर्तन और ब्रेड को इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। आप भी देखिए, इस तरह ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें। ये देखिए, हमने ब्रेड को तोड़ लिया है। ब्रेड में 2 बड़े चम्मच चावल का पाउडर ऐड करेंगे। चावल का पाउडर ऐड करने से वड़ा हमारा क्रंची और क्रिस्पी बनेगा। इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। बारीक कटा हुआ गाजर ऐड करेंगे। अदरक ऐड करेंगे। कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। बारीक कटा हरी मिर्च ऐड करेंगे। धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। वड़ा में नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। 1/2 चम्मच जीरा ऐड करेंगे और इसमें 2 बड़े चम्मच दही ऐड करेंगे। हम इसे हाथों से मिला लेंगे। वड़ा का डो बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। हमने इसमें 4 चम्मच पानी ऐड किया है और हाथों से मिला लेंगे। आप भी इसी तरह हाथों से मिला लें। 1 चम्मच पानी ऐड करेंगे। आप भी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें क्योंकि ब्रेड पानी सोख लेता है। ये देखिए, डो हमारा बन गया है। हम इसे 5 मिनट ढक कर रख देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, वड़ा बना लेंगे। तो ढक्कन निकालते हैं।
ये देखिए डो हमारा सेट हो गया है। वड़ा फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल लेंगे, गैस ऑन करेंगे, तेल को गर्म होने देंगे। वड़ा बनाने के लिए हाथों में पानी लगा लेंगे। डो का छोटा सा बॉल लेंगे, ये देखिए बॉल साइज का डो लेंगे और हाथों में प्रेस करेंगे। प्रेस करते हुए इसके सेंटर में हम एक होल बनाएंगे, ये देखिए इस तरह होल बना के इसे वड़ा का शेप देंगे। ये देखिए तेल हमारा गरम है, हम इसमें धीरे से डालेंगे और इसे फ्राई होने देंगे। इसी तरह हम और एक वड़ा बनाएंगे। वड़ा बनाने के लिए हाथों में अच्छे से पानी लगा लेंगे। वड़ा बनाने के लिए बॉल साइज का डो लेंगे, ये देखिए इस तरह बॉल साइज का हमें डो लेना है। डो को अपने हाथों पे इस तरह राउंड शेप में राउंड साइज में फैला लें। इस तरह से राउंड साइज में बना करके हम इसके सेंटर में होल करेंगे। होल करते हुए हम इसे वड़ा का लुक देंगे, ये देखिए ये वड़ा का लुक में आ गया है। अब हम इसे तेल में फ्राई करेंगे। इसे भी हम धीरे से तेल में देंगे। इसी तरह हम सभी वड़ा बना लेंगे। वड़ा को मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने मीडियम फ्लेम पे वड़ा को फ्राई किया है। देखिए हमारे वड़ा फ्राई हो गए हैं, हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए वड़ा में गोल्डन कलर आ गया है, हमें इसे इतना ही फ्राई करना है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा इंस्टेंट वड़ा बनके तैयार हो गया है। अब हम वड़े को एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा इंस्टेंट वड़ा बनके तैयार है। मैंने इसे हरी चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसे अपने पसंद की चटनी के साथ सर्व करें। आपको मेरी वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।